अंजना जी आपके रिपोर्टर और भारतीय जनता पार्टी से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है। दोनों में साहस नहीं है कि मोदी जी के जो ये गठबंधन बनाए गोलीमार और गालीबाज उनके खिलाफ बोल पाए। सवाल ये है कि आप लोगों से एक प्रश्न पूछ लिया जाए ना, बिलबिला जाते हैं, बिलबिला जाते हैं सर। अरे इनहेलर दो भैया, इनहेलर, सांस रोको जी, इनहेलर दो, मेरा बाईपास मशीन लाओ, ऑक्सीजन सिलेंडर लाओ। अंजना जी, इन दो पार्टियों का जो चाल चरित्र चेहरा मैं देख पा रहा हूँ वो ऐसा देख पा रहा हूँ कि जैसे आप बैंक में जाइए, आपके बैंक में कोई खाते में पैसे तो है नहीं और आप लाइन में लग गए, तो ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों लाइन में लगी हुई है, इनके खाते में पैसे नहीं है। और जैसे ही दरोगा जी ने सीटी मारी दोनों भाग गए और इनका चाल चरित्र चेहरा सामने आ गया, क्योंकि ये धोखेबाज पार्टियां हैं। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज एक शानदार डिबेट वीडियो लेकर आ गया हूँ, वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों आज की डिबेट में कांग्रेस जी अभय दुबे को, आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप, बीजेपी की प्रवक्ता गौरव भाटिया और राजनीतिक विश्लेषक धर्मवीर चौधरी, तीनों ने मिलकर भयंकर तरीके से धोया है। दोस्तों आज की डिबेट बहुत मस्त होने वाली है, अंत तक देखना। एंड वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। अभय दुबे जी, पता चला आप और भदौरिया साहब एक ही साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं, अगल बगल तो बैठ गए हैं लेकिन सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही क्योंकि हमारे रिपोर्टर ने यह खबर दी है। देखिए, अच्छा ये वाला फ्रेम भी दिखा दिया हम लोगों ने, दोनों साथ ही बैठे हैं, साथ तो बैठे हैं लेकिन दुबे जी बात नहीं बन पा रही है। ये खबर है, हमारे रिपोर्टर ने आज खबर दी है कि बात खत्म और गठबंधन हजम, सही है? अंजना जी आपके रिपोर्टर और भारतीय जनता पार्टी से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है। दोनों में साहस नहीं है कि मोदी जी के जो ये गठबंधन बनाए गोलीमार और गालीबाज उनके खिलाफ बोल पाए। रुको जरा, कि आपने एक सेकंड, क्योंकि आपने रिपोर्टर के साहस को ललकारा है तो आपको थोड़ा सा एक जवाब उस पर जरूर मिल जाना चाहिए। आपको पता है समाजवादी पार्टी एक के बाद एक अपनी लिस्ट निकाल रही है उम्मीदवारों की और आप लोग पीछे रह रहे हैं इसमें, इस बात का एहसास है आप लोगों को? कितने दिन गिने हैं? लेकिन बीजेपी ने गिने हुए होंगे कि उनको कितने दिन में चुनाव के लिए मैदान में मतदाता उतरेगा। सवाल यह है कि आप लोगों से एक प्रश्न पूछ लिया जाए ना, बिलबिला जाते हैं, बिलबिला जाते हैं सर। अगर मैं आपको याद दिला दूं, एकदम आपने कहा आपके रिपोर्टर में इतनी साहस नहीं है कि वो ये दिखाए। जब नीतीश कुमार पलटे थे तो उन पर मैंने कम से कम घंटों घंटों बहस की होगी। एक दिन तो ऐसा भी था कि उनके पलटने की कहानी और कथा मैंने 8 घंटे सुनाई थी। नहीं, अब आप बोल गए, आप सुनिए, 8 घंटे उनके पलटने की कथा, इधर से उधर जाने की हमने खूब सुनाई। आप भूल गए हैं बहुत कुछ। अगर आपको याद होता कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं सत्ता में आऊंगा तो एक दिन के अंदर शीला दीक्षित को मैं जेल में डाल दूंगा, अगर ये सारी लाइनें आपको भी याद रहती तो आप भी आज हाथ मिलाने की फिराक में नहीं लगे होते। अंजना जी, अरे सर छोड़िए, अरे ज्ञान और नैतिकता कोई राजनीतिक पार्टी देने की स्थिति में है ही नहीं, ना आप है ना वो है, इसलिए थोड़ा सोच समझ कर बोला कीजिए। प्रश्न जो पूछो उसका जवाब, आपने गठबंधन पर कोई जवाब नहीं दिया। आपकी प्रतिबद्धता पर कोई प्रश्न नहीं। आज इंडिया गठबंधन दल की इतनी बड़ी जीत हुई है, सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि ये हत्यारे हैं प्रजातंत्र के, और एक घंटे हमने उस पर बहस की। मैं चाहता हूं कि जो प्रजातंत्र के हत्यारे चंडीगढ़ में जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग, उन्हें सत्ता मत दीजिए, उन्हें सजा दीजिए। वो तो कठपुतली है, वहां का पीठासीन अधिकारी उस कठपुतली को नचा दिल्ली। राहुल गांधी, अभय दुबे जी, संदेश खाली क्यों नहीं जाते? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, राहुल गांधी संदेश खाली क्यों नहीं जाते? और अगर मैंने ये प्रश्न पूछ लिया तो ये प्रश्न ही गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि ये प्रश्न क्यों पूछ रही हैं आप, जानबूझ के हमें टारगेट कर रही हैं। पूरे भ्रमण पर जब निकले हैं वो, देश को जोड़ रहे हैं, संदेश खाली में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है क्यों नहीं दिख रहा आपकी पार्टी को? सिर्फ अधीर बाबू को वहां पर आपने छोड़ दिया है। राहुल गांधी नहीं, अधीर बाबू को छोड़ दिया, जहां भी सत्ता की सरपरस्ती में अन्याय होगा वहां राहुल गांधी खड़ा मिलेगा, वो सरकार किसी भी राजनीतिक दल की हो उससे परहेज राहुल गांधी नहीं करते। लेकिन यहां शर्मसार कर देने वाली बात यह है कि सत्ता की सरपरस्ती में अन्याय करके उनको प्रोटेक्ट, हमने देखा लड़कियों को तिल तिल कर तड़पा तड़पा कर, जो हमारी मेडलिस्ट लड़कियां थी, प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द बोला, आपने कभी सुना? लखीमपुर खीरी में रोंद कर मार दिया, मार डाला गया। प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट आया, हाथरस से लेकर उन्नाव तक बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, रात के अंधियार में बेटी जला दी, प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट आया। हम तो चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी किसी राजनीतिक दल के नहीं है, वो भी मुखरता से बोले। आज लहू लुहान किसानों को कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द बोला, आपने कहा प्रधानमंत्री जी लद्दाख पर बोलिए ना, हजारों लोग सड़कों पर हैं प्रधानमंत्री जी। आप सब एक ही काम करते हैं, आपने कह दिया कि 370 सीटें, लेकिन रजनी वाला, राहुल भाई, महिला बिंदु की हत्या लगातार हुई प्रधानमंत्री जी, आपकी चिड़िया नहीं उड़ाई आपने। ठीक है, तो फिर खत्म नहीं होगा। जब उनसे मणिपुर पर सवाल पूछते थे तो वो राजस्थान गिनाते थे, आपसे आज संदेश खाली पर सवाल पूछ रहे हैं तो आप पहलवान बेटियों की याद दिला रहे हैं। यही प्रॉब्लम है, ये बात है, सब एक ही है, सबका यही काम है। आप लोग महिलाओं के खिलाफ अपराध को भी राजनीतिक चश्मे से देखते हैं, और ज्ञान और नैतिकता की जब बात करते हैं ना, इसीलिए कहती हूँ कि सोच समझ कर बोला कीजिए सामने वाले पर। आपकी सीट शेयरिंग हो गई है गौरव जी, आपकी सीट शेयरिंग हो गई है एक दूसरे पे भरोसा नहीं है। सर बिहार में आपकी सीट शेयरिंग हो गई है, जेडीयू कितनी सीटों पर लड़ेगी, यहाँ पर आरएलडी कितनी सीटों पर लड़ेगी? मैं उत्तर देता हूँ। आप इतनी ज्ञानी पत्रकार हैं कि मैं वाकई आपकी बहुत इज्जत करता हूं। मुझे एक बात बताइए अंजना जी, हमारी किस घटक दल ने एक बयान दिया हो
कि भाई हम तो अकेले करेंगे या हमारी सीट शेयरिंग में दिक्कत आ रही है। आप बताइए ना अंजना जी, अगर आप मुझे एक उदाहरण दे मैं अभी कान पकड़ के कहूंगा आई एम सॉरी, लेकिन एक प्लीज कहना चाहता हूं। अभय जी मेरे साथी हैं, अभय जी रुक जाइए, ऑडियो नहीं आ रहा है, बनता है मैं उनसे एक बात कहूं। अभय जी प्लीज, हाँ अभय जी प्लीज, एक काम करिएगा, राहुल गांधी से कहिएगा ये भारत तोड़ो अन्याय यात्रा सारे प्रदेशों से एक बार जरूर निकाल दे, क्योंकि जहां जहां उनके चरण पड़ते हैं बंटाधार आपका हो जाता है। और नेहरू जी कहकर इंदिरा से ऐसा पोता आएगा, कैंपेनिंग करेगा कांग्रेस की, भाजपा को जितवाएगा, ये हाल है आज। उनको कहिए सारे प्रदेश हुआ है एक बार, सिर्फ छोटा छोटा सा, ये तो दोस्ती का वास्ता है। बहुत छोटा सा जवाब, सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सड़कों पर आए और उन्होंने कहा चार न्यायाधीशों ने कि देश के प्रजातंत्र को बचा लीजिए नहीं तो इतिहास माफ नहीं करेगा। उससे लेकर यह यात्रा मोदी सरकार की है कि सर्वोच्च अदालत ने कहा कि प्रजातंत्र की हत्या इन लोगों ने कर दी। अरे इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला भूल गए, क्विड प्रो को कितना भीषण भ्रष्टाचार किया, सारे भ्रष्टाचारी तुमने शामिल कर लिए, ईडी सीबीआई तुम्हारे गठबंधन दल की सीट शेयरिंग तय, करती है तुम्हारी ईडी सीबीआई, क्या मुंह खोलेंगे वो, किसकी हैसियत है? अजीत पवार साहब मुंह खोलकर बोलेंगे कि इतनी सीटें चाहिए, प्रफुल्ल पटेल मुंह खोलकर बोलेंगे क्या, आपके शुभेंदु अधिकारी से लेकर हेमंत सारे तो ऐसे ही इकट्ठे किए, नीतीश बाबू की सत्ता की चाशनी में डूब कर आए। बताइए रद्दीमाल, इन्होंने तो कहा रद्दीमाल, उत्तर प्रदेश का जो रण है वो त्रिकोणीय लड़ाई में है और बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बहुत कॉन्फिडेंट है। शुरू से उन्होंने कहा कि ये सत्ता लोलुपित जो बेमेल गठबंधन, ईंट कहीं का रोड़ा का जो गठबंधन बन रहा है उसमें हमारा कोई भरोसा नहीं है, हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब मैं जो दो विद्वान प्रवक्ता यहां बैठे हुए हैं अभी हरी शर्ट वाले, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये पीडीए की बात हर डिबेट में करते हैं, ये जो पीडीए है इसमें भैया बता दीजिए अनुराग भाई कि आपने तीन कैंडिडेट खड़े किए हैं राज्यसभा में, तो नंबर एक पे तो जया बच्चन है, नंबर दो पे आलोक रंजन है, तीसरे पे सुमन साहब हैं, तो आपके पास में तीन कैंडिडेट जिताने के तो मैं विधायक नहीं है, इसका मतलब दलित को आप गड्ढे में डालना चाहते हैं। और एक ही परिवार के दो लोग कायस्थ, जया बच्चन और आलोक रंजन, ये एक ही परिवार के लोग हैं, एक ही परिवार की पार्टी है, एक ही परिवार को आगे बढ़ा रही है, तो आप पीडीओ को धोखा क्यों देते हैं? 2.5 लाख से ज्यादा आपने जो प्रमोशन में आरक्षण का बिल कैंसिल किया था, फाड़ के फेंका था, उससे 2.5 लाख से ज्यादा डिमोशन दलितों के उत्तर प्रदेश में हुए थे, नौकरी से चले गए थे बेचारे। तो आप जो है ये धोखा ना दें। अंजना जी, इन दो पार्टियों का जो चाल चरित्र चेहरा में देख पा रहा हूं वो ऐसा देख पा रहा हूं कि जैसे आप बैंक में जाइए, आपके बैंक में कोई खाते में पैसे तो है नहीं और आप लाइन में लग गए, तो ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों लाइन में लगी हुई है, इनके खाते में पैसे नहीं है, और जैसे ही दरोगा जी ने सीटी मारी दोनों भाग गए और इनका चाल चरित्र चेहरा सामने आ गया, क्योंकि ये धोखेबाज पार्टियां हैं, ये समाज को धोखा देती हैं। कांग्रेस ने जो है वो काका कालेकर आयोग की रद्दी की टोकरी में डाला, मंडल आयोग को रद्दी की टोकरी में डाला, और जब बाबा साहब को 1989 में भारत रत्न मिला था तो इन्होंने उस सरकार को गिरा दिया कांग्रेस ने, तो ये इनका दोहरा चरित्र है। अगर बनारस से सुरेंद्र पटेल लड़ रहे हैं अभय दुबे जी, अजय राय वो तो बनारस से लड़ते हैं, आपके अध्यक्ष अभी उत्तर प्रदेश के, पिछली बार भी वहीं से लड़े हैं, ऐसे में अब क्या होगा, इसका क्या मतलब है, क्या संकेत है? बनारस की लिस्ट निकाल दी साहब, पार्टी एक पृथक राजनीतिक दल है, उसको अपना अधिकार है, लेकिन जब समन्वय की बात होगी तो समन्वय हर हाल में होगा, अभी भी हम उम्मीद करते हैं, नहीं होगा तो 2004 में भी यह हुआ था, समाजवादी बहुजन समाज पार्टी से नहीं हुआ था लेकिन पोस्टपोल अलायंस हुआ था, 335 सीटें हम सब लोगों की थी, तो जो लाइफ धोखा दे रहे हो समाज को, पार्टियों को, देश को, और जो आपस में क्यों धोखा दे रहे हो, सच्चाई को बोला करो जनता करके, डरा मत करो। आप मैं बहन जी से भी कहता हूँ, बहन जी डरिए मत, आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कांग्रेस का कुछ नहीं था, बहन जी का घर खुद निकल रहे थे, अंदर से आवाज आई कि दरवाजा नहीं खुलेगा, आप अपने घर चले जाइए, तो ये तो आपकी है क्या उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में आप ढाका डालते हैं, लोग धारण करना बंद कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी किसी भुलावे में नहीं रहे, नहीं नहीं अभय जी, अभय जी नहीं होगा तो अभय जी, अभय जी होगा, अभय जी, अभय जी आप शुरू में तो इस शो में बहुत गुस्से से आए थे सबको नैतिकता समझाने के लिए, लेकिन अब इसकी गंभीरता को समझिए जरा ठहर के, ये खबर बड़ी है। पांच उम्मीदवार जो अभी घोषित किए गए हैं ना, ये पांच उम्मीदवार नहीं घोषित किए गए हैं, ये आपको एक संदेश पत्र है और संदेश पत्र में लिखा है कि आपके जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनारस से लड़ते थे अजय राय जी, अब आप समझिए और संभालिए अपना, हमने तो अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, बनारस का घोषित करने के लिए ऐसा कोई उनका कैंडिडेट नहीं है जो वहां बहुत उनके लिए क्रूशियल इंपॉर्टेंट जगह थी, उनको भी पता है कि प्रधानमंत्री वहां से जीत रहे हैं लगातार, ये आपके लिए संदेश पत्र है अजय राय जी प्रदेश नहीं, संदेश साफ है, हम बड़े हृदय से व्यापक समन्वय के दृष्टिकोण से हैं, समाजवादी पार्टी अगर चाहती है तो अच्छा गठबंधन होगा, चुनाव लड़ेंगे, अजय राय जी उत्तर प्रदेश के बहुत मजबूत नेता हैं, 11 जिलों में लगातार पदयात्रा की, एक जन आंदोलन बड़ा खड़ा कर दिया, जैसे प्रियंका गांधी जी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं आंदोलन खड़ा किया जिसका लाभ समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव में मिला था। सुनिए ना, हम कोशिश कर रहे हैं बड़े हृदय से, टेलीविजन की डिबेट पे रहेंगे, तो भयहीन होकर
भयहीन होकर आप ही घोषित कर दीजिए कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आप लोगों का कैंडिडेट सुरेंद्र पटेल है, यही है ना, अब यही है ना मामला, आप ही घोषित कर दीजिए। देखिए हमारी ना टेलीविजन की डिबेट में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लड़ा पाएंगे, ना भारतीय जनता पार्टी के उकसावे पर, क्योंकि भयाक्रांत भारतीय जनता पार्टी है कि अगर गठबंधन हो गया तो भारतीय जनता पार्टी की आधी से भी कम सीटें उत्तर प्रदेश में रह जाएगी। हिंदी हार्टलैंड के 13 राज्यों की तो सरकार है, इनको पता है कि चरम पर इनका सांप्रदायिक उन्माद जो था उससे पोलराइज कर दिया, अब वो होने वाला नहीं है प्रधानमंत्री। अब तो काम के भरोसे वोट मांगने होंगे, किसानों के मुद्दे पर आपको वोट मांगना होगा, बेरोजगारी, अग्निवीर, आपने जो समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को पीछे को 12 लाख करोड़ की नेटवर्थ कमा दी, चुनाव उस पर भी कृपा करिए। गौरव जी जवाब दी सभी की बातों को, और मनीषा जी खुद ही कह रहे हैं कि हम लोग पीछे चल रहे हैं सीट शेयरिंग में। इतना कहूंगा मैं तो मनीषा जी से भी कहना चाहता हूं, पीछे चल नहीं रहे हैं, ये बचे ही नहीं है। ये जो अभी आपने कहा था ना प्रेम पत्र आया है, प्रेम पत्र में क्या लिखा है कुछ अखिलेश जी को भी बोल दीजिए। अजय राय ने क्या कहा था, कौन है अखिलेश, अखिलेश चौधरी जी ने कहा था एक साथ नहीं, अब है जी गलत बात है, अब है जी हालत देखिए फिर ऑडियो में जो बार बार म्यूट करना पड़ता है भैया, ऑक्सीजन, अरे इनहेलर दो भैया, इनहेलर, सांस रोक जाए जी, टॉपिक इनहेलर दो, मेरा बाईपास मशीन लाओ, ऑक्सीजन सिलेंडर लाओ। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, अरे बोल रहे बीच में आप चुप नहीं करा रही है, 6-7 मिनट बोलते रहे, सीटें हैं इनकी 1 लोकसभा और 2 विधानसभा और मिनट आपने दिए 6 और हम 64 सीटों वाले आपसे कृपा करिए विनती है हमारी कर रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं? सुनिए अब देखिए मैं आपको बताता हूं, ये अखिलेश भैया ने जो प्रेम पत्र निकाला है तीसरा, इस प्रेम पत्र की विशेषता आपको बताता हूं। अजय राय को क्यों जवाब दिया मालूम है? अजय राय ने क्या कहा था याद करिए, जो बाप का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। तो आज अखिलेश यादव ने कहा देखो बेटा अब मैं तुम्हें बताता हूं कि क्या होती है ताकत, ठीक है। दूसरी बात इसकी विशेषता यह है, जितनी सीटें डिक्लेयर हुई हैं इसमें यादव परिवार के अक्षय यादव, शिवपाल यादव, डिंपल यादव, 3 तो यादव परिवार के ही लोगों को टिकट दे चुके हैं। अब आप मुझे बताइए ये किस बात का पीडीए है? अरे पीडीए वीडीए छोड़ो, कहो यादव परिवार पार्टी, ठीक है, यादव YPP, यादव परिवार पार्टी। दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सियाराम।